अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शारे अली नूर है और मैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त यह है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की मेरी जो वीडियो है उसका बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो इसके अंदर मैं बात करूँगा तीन तरह के कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें 500 गज के विलाज, 350 गज के विलाज और 125 गज के विलाज शामिल हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? मकसद मेरे नज़र में ये नज़र आता है मुझे कि बहरिया होम्स जो बहरिया ने ख़ुद बना के दिए हैं उनमें जो 152 और 200 गज और 235 गज की जो कैटेगरीज़ के विलाज थे वो समवट लोगों को फील हो रहा था कि उनकी कंस्ट्रक्टेड क्वालिटी जो है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वो अप टू द मार्क शायद नहीं है। तो उसके हवाले से बात करेंगे कि सबसे पहले आते हैं 500 गज़ के पैराडाइज विलाज जो कि बहुत ही रिसेंटली अभी क्या कहते हैं पोजेशन उनका डिलीवर किया गया। वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन का नज़ारा पेश करते हैं और उनकी इस वक्त अगर प्राइस की बात की जाए तो 5 करोड़ के आसपास इसकी वसीनिटी में चल रही है। तो बताने का मकसद ये है, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे कि जो यहाँ पे खूबसूरत किस्म की लोकेशन पे ये 500 गज़ के विलास बनाए गए हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अबव द मार्क है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इनके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर 5 बेडरूम्स हैं, पाउडर रूम है, सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, एम्पल स्पेस है फॉर कार पार्किंग, लॉन है खूबसूरत सा और इसके अंदर बैल्कनीज हैं, ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं इसके खूबसूरत, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे ये वाकया है। और ये बहरिया पैराडाइज़ के अंदर फॉल करते हैं 500 गज़ के, ये वो उन विलास की सिर्फ बात कर रहे हैं हम जो बहरिया ने ख़ुद बनाए हैं। इसके अलावा 500 गज़ के विलास प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन भी हो रही है बहरिया में और उसकी और उनके लिए हम भी बैठे हुए हैं, हम भी उसमें क्या कहते हैं शामिल हैं जिन्होंने इसमें पार्ट लिया है। और उनमें और इनमें इन विलास में फ़र्क क्या है वो थोड़ा सा उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उन विलाज में कुछ क्या कहते हैं आपकी कस्टमाइजेशन में जो है ना, आप थोड़ा सा उस पर वर्क कर सकते हैं और कुछ इस तरह की ऑप्शंस हो सकती हैं कि आप अगर प्राइवेटली कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर आप बेसमेंट भी बना सकते हैं, तो कुछ उसके अंदर थोड़ा सा विगल रूम होता है। जो बहरिया ने ख़ुद बना के दिए हैं उसमें आपके पास बेसमेंट की ऑप्शन नहीं है सैडली, लेकिन नो डाउट इट्स स्टिल अ वेरी गुड विला। और इसके बाद अगर हम बात करें 350 स्क्वायर यार्ड्स के जो विलाज़ हैं, अगेन बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है, कलर चॉइसेस बहुत खूबसूरत हैं, लोकेशन की अगर बात की जाए स्पोर्ट्स सिटी के अंदर फॉल करते हैं, रफ़ी क्रेडिट स्टेडियम इनसे वॉकिंग डिस्टेंस पे है और ईफिल टावर अप एंड रनिंग है बहुत ही खूबसूरत और वो भी इससे तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बनता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कम्युनिटीज़ की तो मेरे ख्याल में अगर 350 गज़ के विलाज की कम्युनिटी की बात की जाए तो उसके अंदर बहरिया टाउन कराची की एक सबसे हेल्दी कम्युनिटी इस वक्त रह रही है। वहाँ पे मोस्टली एक्ट्रेसेस और पाकिस्तान मॉडलिंग इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री के आर्टिस्ट्स जो हैं वो रिहाइश पसीद हैं और वो इस एरिया को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि पीस और क्वाइट जो है वो यहाँ पे अनडिनाइबल है। बहुत ही खूबसूरत किस्म के लॉन्स आपको फ्रंट एंड बैक पे मिलते हैं इन विलाज में और बहुत ही खूबसूरत सी कंस्ट्रक्शन है। इनके अंदर 4 बेडरूम्स हैं और जो मास्टर बेडरूम है उसके साथ आपको बड़ी खूबसूरत सी एक बैल्कनी भी मिलती है। और जो इसके बाकी के जो रूम्स हैं, सॉरी स्पोर्ट्स सिटी विलाज के, उनके साथ भी जो फर्स्ट फ्लोर के जो 2 रूम्स हैं उनके साथ भी छोटी छोटी बैल्कनीज अवेलेबल हैं और वो बहुत ही खूबसूरत एक कम्युनिटी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी इसके अलावा। और इनकी अगर प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त 2 करोड़ 15 लाख रुपए से लेके तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपये तक का भी विला वहाँ पर अवेलेबल है। बताने का मकसद ये है कि ये वो विलाज हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर बात की जाए तो अबव द मार्क है। वहाँ पे वाटर सीपेज में कोई मसला नहीं आया आज तक अल्हम्दुलिल्लाह और वहाँ पे रेन वाटर रुकने का भी इस तरह कोई इशू नहीं आया और बहुत ही अच्छी किस्म की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है बहरिया की तरफ से। इसके बाद अगर हम बात करें 125 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज की, ये विलाज जो हैं ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे किस्म के लोकेशन पे बन रहे हैं, लेकिन इनमें यह है कि ये प्राइवेटली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ अली ब्लॉक के विलाज की। इसके अंदर आपको बहुत सारी डिफरेंट रेंज ऑफ ऑप्शंस मिलती हैं, आपको 150 का भी विला मिल जाता है और आपको 180 तक भी विला मिलता है, तो एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है जिसके अंदर ये विलाज फॉल करते हैं।
मेनली डिपेंडिंग ऑन लोकेशन. सबसे बड़ी बात है अलीट ब्लॉक के अंदर लोकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अलीट ब्लॉक जो है वो बैरिया टाउन कराची का हार्ट है, बैरिया का सेंटर है, और इसके अंदर अमेनिटीज़ नो डाउट बहुत ही अच्छी हैं. मस्जिद ऑलमोस्ट रेडी है, इसकी एक साइड पे आपको ग्रैंड जामा मस्जिद नज़र आएगी, तो दूसरी साइड पे आपको 10A 11A के आबाद विलाज नज़र आएंगे, और एक साइड पे आपको पेट्रोल पंप नज़र आएगा, तो दूसरी तरफ आपको क्या कहते हैं बैरिया हाइट्स और डेस्कॉन टावर्स नज़र आएंगे. तो ये नो डाउट एक अमेनिटीज़ के इर्द गिर्द बनाया गया प्रीसेंट है, और इसके अंदर अमेनिटीज़ की कोई कमी नहीं है. अब बात आ जाती है मेनली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को किस तरह चेक करना है, उसको किस तरह से प्रिसीव करना है कि किस तरह पता लगे कि हाँ ये वाकई एक अच्छा घर बना हुआ है, ये 6 महीने बाद जाके ख़राब नहीं हो जाएगा, या इसमें वाटर लीकेज के इश्यूज़ नहीं आएंगे. तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हर वक्त. हम अपने क्लाइंट्स को प्रॉपरली विलास को इंस्पेक्ट करके दिखाते हैं कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आने वाले फ्यूचर में, और इसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. तो इस सारे बात का मकसद ये है कि हमारी टीम और हमारे जो क्या कहते हैं ऑफिशल्स बैठे हुए हैं वो चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह मैनेज करते हैं, और क्या कहते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए बेहतरीन ऑप्शंस लेके आते हैं. तो आप जिस तरह का भी विला देख रहे हैं मार्केट में, आप ज़रूर हमारे से कॉन्टैक्ट करें, और हम आपके इंशाल्लाह बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़.